हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर पेड़े की रेसिपी। तो चलो आइए हम देखते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ एक बर्तन, उसमें मैं ले रही हूँ एक कप पनीर। ये एक लीटर दूध से बना हुआ पनीर है, मैंने ये घर पर बनाया है। आप अगर मार्केट का पनीर लेना चाहो तो 200 ग्राम पनीर आपको लेना होगा। हम ये लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी स्पेशल मिठाई बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर घर का ही पनीर लेना प्रेफर करेंगे। इसे हम अच्छे से मैश कर इस तरह डो की तरह बना लेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे पाउडर शुगर। यहाँ मैं ले रही हूँ 1/2 कप पाउडर शुगर। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना चाहो तो इस शुगर की मात्रा को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे मिक्सर के जार में डाल लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर और इसे एक बार हम मिक्सर में चला लेंगे। अभी रेडी है हमारा पनीर पेड़े का मिक्सर। यहाँ ले रही हूँ मैं एक पैन, मैंने उसे गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जो हमने मिक्सर में पीस कर रेडी किया था पनीर का मिक्सर, उसे मैं पैन में डाल लूँगी और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे गैस पर फ्राई करना है। हमें इसे ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइट डो में तैयार हो जाएगा। बस अब हम इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने देंगे। अभी ठंडा हो चुका है, अब हम इसे पेड़े के शेप में बनाएंगे। हमें ये बात का ध्यान रखना है कि इसे पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, हम इसे बस इतना ही ठंडा करेंगे कि हम इसे हाथों से टच कर सकें। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। इस तरह छोटे छोटे बॉल्स हम हाथ में लेकर गोल गोल घुमाते हुए इसे एक बॉल का शेप देंगे, बस इस तरह से। और इस तरह से हम इसे अंगूठे से प्रेस करेंगे हल्का सा। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इलायची पाउडर और इसके ऊपर हम लगाएंगे केसर के धागे। बस इसी तरह से हमें सारे पेड़े बनाकर तैयार करना है। ये बिल्कुल ही आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज आप भी जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल के भोग के लिए ये पेड़े बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।